हेलो फ्रेंड्स, एसडीआर टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्टेबल अनइक्वल ब्रांच का फार्मूला लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और नए आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनइक्वल स्टेबल ब्रांच का फॉर्मूला मैं अभी बताएगा। ये 6:4 का ये भी फॉर्मूला है, अनइक्वल स्टेबल का फॉर्मूला। अभी एच बी डी ई क्या चीज़ है? एच मतलब हेडर हाफ ओ डी, और बी मतलब ब्रांच हाफ आई डी, और डी मतलब सेंटर लाइन डिग्री है। मतलब 6 इंच ओ डी कितना है? 168/2 84 mm। और ये लिखा है ब्रांच हाफ आई डी मतलब 4 इंच का कितना हाफ आई डी कितना है? 101। आप लोग का 102 हो सकता है, 100 हो सकता है। आप लोग चेक करने का आपको कितना, मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए 101 दिया हुआ। तो डिवाइड 2 इज इक्वल टू 50.5 mm। तले 4 इंच का हाफ आइड हो गया 50.5 mm, इसलिए रेड मार्किंग किया हुआ लिख कर रखा। डी मतलब सेंट्रल लाइन डिग्री। सेंट्रल लाइन डिग्री मतलब क्या ना, जो चार जो ब्रांच बना रहे इसका कितना लाइन बनाने का, 8 लाइन 16 लाइन जितना लाइन का बना रहे उसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन डिग्री। तले क्या है, 360 डिग्री डिवाइड 16 इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। मैं इसको 8 बनाएगा तो 8 सेंटर लाइन बनाएगा तो कितना आएगा ना, 40। चलो आपको क्या करना, मैं पहले 8 सेंटर लाइन बनाए, मेरा आई बटन में दिया जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, अभी ये क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या ना, हाफ ओ डी हेडर माइनस रूट ओवर ब्रैकेट हाफ ओ डी हेडर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट साइन ब्रैकेट डिग्री ब्रैकेट इंटू हाफ आई डी ब्रांच ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये साइन का ऊपर फॉर्मूला, मैं इसका पहले बनाया था जो ओ डी इंटू ओ डी हेडर इंटू फोर, वो फॉर्मूला जो ईजी है, लेकिन इसमें क्या है सिंपल है। मतलब आपको जो कट इसका हिसाब से कटिंग करेगा तो ना क्या होगा आपका, हाफ ओ डी हेडर, हाफ ओ डी हेडर क्या है ना, आपको 6 इंच का हाफ ओ डी हेडर कितना 84 mm, मैं इसलिए लिख के रखा आपको 84 mm। ओके, ये आपका माइनस, इधर माइनस डालने का। ये आपका रूट ओवर, इधर रूट ओवर डालने का। ये आपका ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है। हाफ ओडी हेडर, हाफ ओडी कितना, 6 इंच का हाफ ओडी लिखा 84 mm, आपको इधर 84 mm डालने का। स्क्वायर को स्क्वायर, ये सब क्या चीज़ है ना, आपको कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन करने का, सेम इस तरह आपको कैलकुलेटर में करने का, तब आंसर मारने का, इस तरह करने का। मैं आपको नेक्स्ट में आपको दिखाएगा, आपको प्रैक्टिकल करके कैलकुलेटर में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएगा, ठीक है? ओके ओके फ्रेंड, फिर आपको माइनस माइनस ब्रैकेट इधर ब्रैकेट साइन इधर साइन। ये जो डिग्री, डिग्री क्या, जो सेंट्रल लाइन में बताया था अभी, सेंट्रल लाइन कितना, सेंट्रल लाइन बना 16 सेंट्रल लाइन आएगा, आंसर कितना 22.5। ये डिग्री का जगह में आपको ये डालने का 22.5। मान लो आप 8 सेंट्रल लाइन बनाएगा तो कितना आएगा, 45। आप इधर 45 डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड, यहाँ तो समझ गया, फिर ब्रैकेट इधर ब्रैकेट, आपको इधर इंटू डालने का। फिर आपको हाफ आई डी ब्रांच, हाफ आई डी ब्रांच 4 इंच का हाफ आई डी ब्रांच कितना 50.5 mm, तब आपको इधर 50.5 mm डालने का। फिर आपको ब्रैकेट है, इधर आपको ब्रैकेट है, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर इधर ब्रैकेट इधर ब्रैकेट इजिकल टू 2.25 mm। ये आपका आंसर निकल गया। कैसे आपको मैं कैलकुलेटर में आपको दिखाएगा, वो कैसे आपको कैलकुलेशन करने का मैं आपको दिखाएगा इजी तरफ से। ओके फ्रेंड, सेम इसे 22.5 45, फिर आपका 67, ये आपको 90। फ्रेंड्स, ये 16 सेंटर लाइन अभी निकल गया अभी, तो हम लोग का 8 सेंटर लाइन बनाएगा तो क्या करने का ना, 48 और 90 डिग्री आएगा। देखिए ये सब आंसर निकल हुआ 2.25, ये 7.96, इस तरह आंसर निकले। ये आपको कैलकुलेटर में आपको प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाएगा अभी। ओके फ्रेंड, आपको कुछ डाउट नहीं होगा, मैं पूरा आपको इजीली आपको मैं प्रैक्टिकल करके कैलकुलेटर में दिखाएगा। ओके फ्रेंड, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है। फास्ट हम लोग का कैलकुलेटर ऑन करेगा। हम लोग का फास्ट क्या दिया ना, 84। आपको इसका बाद क्या है माइनस, इसका बाद क्या है रूट ओवर, देखो ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट आने के बाद क्या आ गया, फिर आपको 84 डालने का, 84 डालने के बाद आपको स्क्वायर, ऐसे आपको डायरेक्ट पूरा फिलअप करते रहने का, स्टेप बाय स्टेप करने का। माइनस, फिर आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट का क्या साइन, देखिए साइन, साइन के बाद फिर ब्रैकेट, आपको ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ गया, इसलिए इधर आपको ब्रैकेट फिर नहीं देने का दोबारा।
फिर आपको 22.5 इसका, फिर आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट करके आप इनटू आपका 4 इंच का हाफ आईडी कितना 50.5, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका स्क्वायर, फिर आपका ब्रैकेट, ये आपका आंसर है इज इक्वल टू। फ्रेंड्स ये आपका 22.5 का आंसर निकलेगा, 2.25 का आंसर निकले। फिर इसका तो 45 का करने का, चला 45 का इधर सेम आपको चेंज करने का। ओके फ्रेंड, क्या करने का, ऐसे कैलकुलेटर में इधर जाने का, इधर देखिए फ्रेंड ये आपका ये वाला आपको चेंज करना है, डिलीट डिलीट माने के इस तरफ डिलीट है, इधर डिलीट करने का। देखिए ये आपका ये जो ब्रैकेट का अंदर आपको 45 डालने का, ये आपका 45 का फिलअप करने का बस। इसके बाद क्या करने का, इधर आगे इसे लेने का इस तरफ। ओके फ्रेंड, फिर आपको क्या करने का, इज गोल्ड मार देने का। कितना आंसर आ गया, 7.96। चलो 45 का 7.96, फिर आपका 67.5 का, फिर आपका 45 का इधर डिलीट मार देने का, ये आपका 45 का इधर डिलीट मारने का। ओके फ्रेंड, चलो आपको क्या करने का, देखिए ये आपका ये डिलीट मारने का, देखिए ये आपका डिलीट बटन DEL लिखा है, ये डिलीट मारने का इधर। ओके फ्रेंड, ये आपका इधर कितना 67.5। ओके फ्रेंड, फिर आपको एरर का आगे डालने का इसे। ओके फ्रेंड, फिर आपको इज इक्वल मारने का कितना 14.14, 67.5 डिग्री का कितना 14.14 है। फिर आपको 90 डिग्री का चेंज करने का, 67 जगह में 90 डिग्री चेंज करने का, सेम आपको कुछ नहीं करने का। फिर आपको इज इक्वल करने का कितना आया आपको 16.87, तो 90 डिग्री का आपको 67, ये आपका इस तरह आपको करने का। कैलकुलेटर में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, जो लेंथ निकला 22.5 का जो आंसर निकला, 48 जो आंसर निकला, 67 का जो आंसर निकला, 90 डिग्री जो आंसर निकला, ये आपको पाइप में कैसे मार्किंग करेगा। तो ये पार्ट वन वीडियो है, ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू वीडियो आएगा, पाइप में मार्किंग करके प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट में इसमें कमेंट कीजिए। प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।